इस वीडियो में मोमिना इकबाल के टॉप 10 ड्रामास के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल बारिश में आग, ये रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर मोहसिन अलियास हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 30 हैं। इस ड्रामा को साल 2020 में LTN फैमिली पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल इश्क में काफिर, ये एक रोमांटिक एंड सोशल बेस्ड ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर दिलशेद नसीम हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 33 हैं। इस ड्रामा को साल 2018 में A+ पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल गिरफ्त, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा की राइटर इरम वसी हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 127 हैं। इस ड्रामा को साल 2023 में जियो इंटरटेनमेंट पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल पार्लर वाली लड़की, ये एक सोशल बेस्ड फैमिली एंड रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर फवाद काशिफ हैं। ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 77 हैं। इस ड्रामा को साल 2018 में बोल इंटरटेनमेंट पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा की राइटर रुखसाना निगार हैं। इस ड्रामा को साल 2024 में ARY डिजिटल पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल समझौता, ये एक फैमिली बेस्ड ड्रामा है। इस ड्रामा की राइटर रुखसाना निगार हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 53 हैं। इस ड्रामा को साल 2023 में ARY डिजिटल पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल खाटा, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर आबिद अहमद हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 89 हैं। इस ड्रामा को साल 2024 में जियो इंटरटेनमेंट पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर ताहिद नज़ीर हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 64 हैं। इस ड्रामा को साल 2023 में ARY डिजिटल पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं, इस ड्रामा के राइटर मिसबा अली सईद हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 43 हैं। इस ड्रामा को साल 2022 में जियो इंटरटेनमेंट पर रिलीज किया गया था। ड्रामा सीरियल खुदार मोहब्बत सीजन 3, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा के राइटर हाशिम नदीम शाह हैं। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 39 हैं। इस ड्रामा को साल 2021 में जियो इंटरटेनमेंट पर रिलीज किया गया था।